और बड़ी खबर इस वक्त की आप जान लीजिए, पूरे देश में सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। सोमवार को केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देश में कानून शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसियों को नागरिकता देने में आसानी अब होगी। इसके साथ ही नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इस कानून की वजह से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सीए पूरे देश में लागू हो गया है। इसमें हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध इन तमाम शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून यह है, लेकिन किसी भी भारतीय की नागरिकता इस कानून से जाएगी ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बात भी बता दी गई है। और चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून है क्या, और ये कानून केंद्र सरकार को नागरिकता देने का अधिकार कैसे देता है। सीए संसद से 2019 में पारित हुआ था। इसके तहत तीन पड़ोसी देशों से आए हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। अब तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत है। नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने वेब पोर्टल बना दिया है। अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेब पोर्टल पर करना होगा, फिर सरकार की जांच पूरी होने के बाद ही नागरिकता लोगों को मिल पाएगी। और इसी के साथ अब ये 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश में सीए लागू होने के बाद जश्न की तस्वीर आई सामने। दिल्ली, नोएडा, जोधपुर, भोपाल, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का और अहमदाबाद, ये 6 तस्वीर आपके सामने है जहां लोगों ने पटाखे फोड़े, अपनी खुशी का इजहार किया, मिठाइयां खिलाई। भोपाल की तस्वीर आप देखिए, अलग अलग जगह देश की जहां पर सीए लागू होने के बाद रात में जश्न मनाया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए। उत्तर 24 परगना की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ढोल बजाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मथुआ समुदाय बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रहता है और सीए लागू होने के बाद इस इलाके में भी खासी खुशी दिखाई दी और हर्षोल्लास किस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में है वो इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। तो देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सवाल अब यह उठता है कि आखिर इस कानून के बनने के बाद शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी कैसे। इसके लिए शरणार्थियों को वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद उस जिले के कलेक्टर आवेदन की जांच करेंगे। कलेक्टर की जांच पूरी होने के बाद ही रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और फिर कार्रवाई पूरी होने के बाद नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। और अहमदाबाद में लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर जश्न मनाया। इन लोगों के साथ विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में हमारी मौजूदगी है और सीए के लागू होने के बाद आप देखें किस तरीके से यहाँ हिंदू रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले लोग घरों से बाहर आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और इनके लिए अब वो मौका आ गया है जब ये फाइनली सेलिब्रेट कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। ऐसे कई परिवार यहाँ पर हैं जो पहले या पाकिस्तान से, सिंध प्रांत से यहाँ पर आए हैं और यहाँ रह तो रहे थे लेकिन नागरिक नहीं थे, और अब जब ये बात सामने आई है कि सीए लागू हो रहा है, एक एम्पावर्ड कमेटी को दिया गया है काम जो पर्यावरण इसका करेगी, हम लोगों के लिए शायद समझना भी इस चीज को मुश्किल है, लेकिन वो लोग जो 30-30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, नागरिक नहीं है, अपने बच्चों के कुछ काम करवाने के लिए, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता था नागरिकता, अब 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंतजार खत्म हो रहा है, सीए को इंप्लीमेंट कर दिया गया है और ऐसे में इनकी खुशी का यहाँ ठिकाना नहीं। कैमरा पर्सन सुनील यादव के साथ प्रियंका कांटा, न्यूज 18 इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। और संसद से पास होने के 51 महीने बाद सीए देश में लागू हुआ है। आपको इसकी पूरी टाइमलाइन भी आप बता देते हैं। देखिए, 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हुआ था और इसके दो दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ। फिर 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन गया और फिर 11 मार्च 2024 यानी कि कल की तारीख केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। यह कानून लागू हो गया देश में। और देश में सीए लागू होने से कोटा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जश्न मनाते दिखाई दिए। उन्होंने आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीए लागू हो गया है,
गृह मंत्रालय की तरफ से सीए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसके साथ ही कोटा में सीए के लागू होने के बाद खुशी की तस्वीर देखने को मिल रही है। फिलहाल तमाम जो मुस्लिम युवा हैं वो यहाँ पर है, मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ हैं और सीए के लागू होने के साथ ही यहाँ पर आतिशबाजी करने के साथ ही अपनी खुशी का इजहार करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो सीए है उसको लेकर के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान जो और बांग्लादेश जो अन्य देशों के जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए बहुत अच्छा कानून है। हमारा जो सीए का कानून पास हुआ है वो हमें मान्य है जी। हेलो, जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर किए हैं वो हमारे को मान्य है और अपने देश को परमपति जातिवाद न बनाए। तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आतिशबाजी करके कोटा में जाहिर कर रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। और अब आपको बताते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत किन किन लोगों को नागरिकता आखिर मिल पाएगी। देखिए, तीन देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क हैं। हमारे यहीं से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिल पाएगी। इन देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलने वाली है। कानून के लिए जो लोग इन देशों से आकर के 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में बस गए हैं वही नागरिकता के योग्य होंगे। नागरिकता संशोधन कानून के मुताबिक ऐसे लोग जो कि भारत में रह रहे हैं वो नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे और नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद 31,313 लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 31,313 लोग ऐसे हैं जो कि नागरिकता के लिए योग्य होंगे। ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, फिर एक वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। और फिर नतीजा वही हुआ जो कांग्रेस ने सोचा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तब कांग्रेस का एक ही मकसद था, अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर से जीतने से रोकना। और कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी सिंधिया परिवार के खिलाफ नहीं बोलेंगे और इसी बात का फायदा उठाने के लिए राजीव गांधी ने अपने सबसे मजबूत खिलाड़ियों में एक माधवराव सिंधिया के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी की बिसात बिगाड़ दी। क्योंकि कांग्रेस ये जानती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी सिंधिया राज घराने के एक एहसान तले दबे हुए थे जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भूल सकते थे। दावा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को माधवराव सिंधिया के पिता यानी जीवाजी राव सिंधिया ने पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी थी और तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट में बकायदा ये दावा भी किया गया था कि उन्हें सिंधिया राजघराने की तरफ से हर महीने 75 रुपए की रकम भी दी जाती थी। और सिंधिया परिवार से अपने इन्हीं रिश्तों की वजह से उन्होंने कांग्रेस में चले जाने के बावजूद कभी भी माधवराव सिंधिया का विरोध नहीं किया। हालांकि माधवराव सिंधिया के बाद बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार 1999 में जीत दर्ज की जब जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर में कमल खिलाया। इसके बाद 2004 में कांग्रेस ने वापसी की लेकिन 2007 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने यशोधरा राजे सिंधिया को टिकट देकर चुनाव को सिंधिया बनाम गैर सिंधिया कर दिया और एक बार फिर नतीजा वही हुआ जो माधवराव सिंधिया के वक्त हुआ था। मतलब यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्वालियर में जीत दर्ज कर ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी और तब से अब तक हुए सभी चुनावों में वहां बीजेपी ने ही जीत का झंडा बुलंद किया।